हेलो गाइस, वेलकम टू टेक का ज्ञान। एंड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि जौन सा रेडमी का नोट 4 है, जौन सा अभी लॉन्च हुआ है, उसको आप कैसे जो कि है ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से या एमआई से, जौन से लेना बहुत इस टाइम मुश्किल हुआ हुआ है। तो चलिए गाइस, हम फटाफट शुरू करते हैं। मैं आपको सीधा से अब जौन सा है वो क्रोम में ले चलता हूँ। गाइज, अब आप आ चुके हैं गूगल क्रोम में। तो हम गूगल क्रोम में अब फ्रेंड्स करेंगे क्या कि हमें जो सा है एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसा एक्सटेंशन होगा जिसका नाम होगा फ्लिप शॉपी, ये वाला एक्सटेंशन जिसकी हेल्प से जो सा है हम फ्लिपकार्ट की सेल से रेडमी नोट 4 ब्लैक कलर को 64 GB प्लस 4 GB रैम वाले को खरीद सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो सा है आपको सेटिंग्स में जाना होगा गूगल के। गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाके आपको एक्सटेंशन पे जाना पड़ेगा और एक्सटेंशन में जाके आपको एक फ्लिप शॉपी नाम का एक्सटेंशन करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो गाइस, ये वाला जो सा एक्सटेंशन है मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा, एंड आप वहाँ पर जाके ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लीजिएगा अपने PC में। तो यहाँ पे गेट मोर एक्सटेंशन की ऑप्शन होगी, गेट मोर एक्सटेंशन में जाएंगे, उसके बाद में सेटिंग्स एक्सटेंशन गेट मोर एक्सटेंशंस, और उसके बाद में गेट मोर एक्सटेंशन में जाके जो सा है हम वहाँ पे एक आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब हम मोर एक्सटेंशन में आ चुके हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम मोर एक्सटेंशन में आ चुके हैं। तो गाइस, मोर एक्सटेंशन में आने के बाद में यहाँ पे आपको सर्च मारना पड़ेगा फ्लिप शॉपी FLIPSHOP, ये आपको सर्च मारना पड़ेगा फ्लिप शॉपी। तो फ्लिप शॉपी को सर्च मार के अपने एंटर कर देना है। तो अभी नो रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, सॉरी गाइस, मुझे लगता है मैं स्पेलिंग गलत बने हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। फ्लिप शॉपी SHOPE है इसका स्पेलिंग, चलो हम ई ऐड करके देख लेते हैं। ऐड नहीं गाइस, ये वाला नहीं है। आपको फिर आप इसकी जगह आप सीधा ही मेरे लिंक से आपको इतनी खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही मेरे लिंक से आप जो है वो मिनटों में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ऐसा कुछ एक्सटेंशन आपके लिए मैं अवेलेबल रख दूँगा, ये वाला एक्सटेंशन होगा गाइस, ये वाला एक्सटेंशन है। देखिए इसका आइकन चेक कर लीजिए, ये वाला आइकन होगा, इसको आपने क्रोम में ऐड कर लेना। मेरा ऑलरेडी एडिट है इसलिए एडिट टू क्रोम आ रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे आगा ऑप्शन होगा ऐड टू क्रोम, वहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है। और ऐसा कुछ एक्सटेंशन होगा, देखिए इसका ऐसे लोगो है और ऐसे ऐड टू क्रोम आया हुआ है मेरे अभी, बिकॉज मैंने क्रोम में ऑलरेडी ये देखिए यहाँ पे एडिट है, यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ इसका जो सा वो स्विम्बल है, कैसा आइकन है इसका, ये देखिए गाइस, ये ऐसा आइकन होगा इसका FS। अब ये ऑफ इसलिए इसका कलर जो सा है वो फेडेड हुआ हुआ है, ग्रे में हुआ हुआ है। ये जो गाइस जो सा पूरा लिंक है गाइस, मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये वाला लिंक। तो वहाँ से जाके आप ये वाला जो सा एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और गाइस, एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद में जो सा है वो आपको flipkart.com पे जाना पड़ेगा, FLIPKART.com KART.com flipkart.com में आके। गाइस, सबसे ज़रूरी बात जो सी आपको याद रखनी होगी, flipkart.com में आते सार ही आपको जो सा अपना अकाउंट है वो लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आप वो साइन अप कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक उसका भी दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। गाइज, आप उस लिंक से जो सा है वो साइन अप या लॉगिन कर लीजिएगा। गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया हुआ है अपना रेडमी का ब्लैक नोट, मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए गाइज, मैंने जो सा अपना रेडमी का ब्लैक नोट 4 जो सा 64 GB है, 64 GB ब्लैक कलर में मैंने बुक किया हुआ है। गाइज, ये देखिए मेरा ऑर्डर हो चुका है, मेरा जो सा है वो मई में आ जाएगा, 21 मई से लेकर 23 मई के बीच में आएगा। ये देखिए, ये प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार कि जो सा मैंने अपनी ट्रिक से जो सा है ये अभी तक मैंने अपना रेडमी नोट डाल लिया पा लिया हुआ है। तो गाइज, इस टेक्निक से जो सा है, अगर आपके पास काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं या काफ़ी सारे ब्राउजर्स हैं, उसमें जाके आप अपने काफ़ी सारे जो से फ़ोन वो पहले ही बुक करा सकते हैं।
गाइस आपको एक बात का एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सी ये लिंक मैं आपको दूंगा नोट 4 का, जो सा भी अपने मॉडल आपको चाहिए होगा वो आप मेरे लिंक से ही नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही करिएगा और पेज खोलिएगा उसका, बिकॉज गाइस अगर आप वो आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके, जो सा ये पेज आपका नहीं ऑटो सेल आपका नहीं कर पाएगा, ऑटो बाय नहीं कर पाएगा, ये उस जो सा मैं लिंक दूंगा उनके साथ ये पहले लिंक्ड हैं। सो गाइस आपको अपने जो से ये इसमें जाना होगा, उसके बाद ऑटो चेक पे आपको ऑन करना पड़ेगा, ऑटो चेक पे फ्लिपकार्ट पे ऑन करके गाइस ये देखिए अब आपको फ्लैश सेल में फिर से जाना पड़ेगा। फ्लैश सेल के नीचे ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे सारी ऑप्शंस हैं फ्लिपकार्ट की, एमआई की, 64 GB, 4 GB, 2 GB, 3 GB, 2 GB, 2 GB गाइस ये देखिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट फ्लिपकार्ट में जो सा है वो सिर्फ आप एक ही फ़ोन बुक करते हैं एट द स्पॉट पे, कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं, बट एमआई में आप दो कलर चूज़ कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली जस्ट आपके टाइम आएगा उसी टाइम ये बाय अपने आप हो जाएगा। तो गाइस उसका आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सारा प्रोसेस आपको जो है वो 25 मिनट पहले करना पड़ेगा सेल से, जो कि वेडनेसडे को हमेशा 12 बजे होती है। तो गाइस ये सेल होने के जो स्टार्ट होगी उसके 25 मिनट पहले ये सब कुछ करके रखिएगा तैयार कीजिएगा, और 5 मिनट पहले ही इस वेबसाइट पे आ जाएगा फ्लिपकार्ट की, और ये इसको ऑन कर दीजिएगा ऊपर, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है अभी इसकी फ्लिप शॉपिंग की। तो इससे ऑटोमेटिकली जो सा है वो आपका ये वाला पेज जो है 3 मिनट पहले रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। और गाइस सबसे बड़ी बात, आपको जो सा है वो अपना इसे लॉगिन रखना पड़ेगा, अकाउंट साइनअप कर लीजिए अगर लॉगिन नहीं हो आपके पास अकाउंट नहीं है। और जैसे कि मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए मेरा ऑर्डर जो सा है वो रेडमी नोट 4 का ब्लैक 64 GB का 4 GB रैम का मेरा बुक हो चुका है। आप कह रहे होंगे फेक है, तो ये गाइस बिल्कुल भी फेक नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बिकॉज ये जो से फ़ोन अभी नई लोगों के पास अवेलेबल है। तो गाइस सब्सक्राइब टू टेक का ज्ञान।